ये इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो 160 किलोमीटर आर की स्पीड से चलती है, जिसमें आज हमने ट्रेवल किया, तो कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस चलिए देखते हैं। सबसे पहले टिकट हमने वेंडिंग मशीन से लिया, आप टिकट काउंटर से भी ले सकते हो और इसमें दो क्लास की टिकट्स है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, और प्राइस भी सिर्फ 20 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है स्टैंडर्ड टिकट्स का। और ट्रेन बाहर से तो बहुत मॉडर्न लग रही थी, अंदर से भी बहुत क्लीन थी। और मेट्रो की तरह इसके गेट ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होते हैं, आपको एंट्री और एग्जिट के टाइम पर ये बटन प्रेस करना पड़ेगा जिससे गेट ओपन हो जाएगा। ट्रेन में रिक्लाइनर सीट्स मिलते हैं जो बहुत कंफर्टेबल है, एंड लेगरूम में भी कोई इशू नहीं होता, एंड साथ में चार्जिंग पोर्ट भी है, और इतने बड़े ग्लास में सनशेड भी मिलते हैं, एंड प्रीमियम क्लास में एक वेंडिंग मशीन भी है जिसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स वगैरह सब मिलता है। हमने ट्रेन की स्पीड भी चेक करी जो 130 किलोमीटर पर आर के अराउंड आ रही थी। इस रैपिड एक्स ट्रेन में वाईफाई भी है, बट किसी कारण से अभी वो वर्क नहीं कर रहा, एंड लगेज के लिए भी काफी स्पेस दिया हुआ है। इसका कंप्लीट रूट दिल्ली जंगपुरा से लेके मेरठ तक है, बट अभी सिर्फ ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ही स्टार्ट हुई है, एंड स्टेशन पर वाटर डिस्पेंसर भी है जैसा कि एयरपोर्ट्स पर होता है। ओवरऑल मेरा रैपिड एक्स ट्रेन का एक्सपीरियंस